तो स्वागत है सभी का इस व्लॉग में। सोच रहे हैं इस बार जरा हम तो अपने वैसे कुर्ट-शूमाकर में हमारा अपार्टमेंट देखा होगा, अपने रूम पे हैं और ट्राई करते हैं कि अपना जो न्यू ईयर का फायरवर्क है वो दिखाएं। तो नीचे चलते हैं और उसके आगे ये क्लिप देखो। वाओ, ये देखो भाई अपने कुर्ट-शूमाकर का माहौल, यहाँ पे लोग पटाखे वगैरह लाए हैं और मस्त फोड़ रहे हैं। और भाई इधर आगे देखो अपने घरों से भी लोग पटाखे छोड़ते हुए। वाह, ये भाई देखो जरा बालकनी से माहौल पटाखों का दिखता हुआ, सड़कों से भाई अपना लोग छोड़ रहे हैं। भाई जहाँ नज़र जा रही है लोग अपना घरों से मस्त मिसाइलें अपने पटाखे छोड़े जा रहे हैं भाई कंटिन्यूअस।
और अब थोड़ा नीचे जाके भी देखते हैं क्या मंजर है। ये देखो भाई अपनी बिल्डिंग 22 के नीचे आए हैं और यहाँ से भी आवाज़ें आ सकती हैं अभी भी पटाखों की। कुछ लोग जैसे आगे अपना फुलझड़िया लेके चकरी और रॉकेट चला ही रहे हैं। इधर देखो अपने डावन प्लाज के रास्ते में यहाँ पे भी कुछ पटाखे रॉकेट दिखे अभी जाते हुए। जरा आगे जाके मंदिर देखते हैं यहाँ का भी। बढ़िया, यहाँ जल तो रहे हैं थोड़े। ये देखो भाई मस्त यार, अभी तक देखो कितने पटाखे लोग जला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जो नया साल है उसको। यहाँ देखो भाई बच्चे ऐसे यहाँ पे पटाखे जला रहे हैं फुल जड़ियों से और फोड़ रहे अपना जो वाटरफॉल है डाउन पोर्ट प्लास का उसके पास। और अपना रूम पे आ चुके हैं, 1 बजे के आसपास का समय हो रहा है। बट आई होप नीचे जो मंजर था भाई, अलग अलग जगह जो फायरवर्क दिखा है वो देख के मजा आया होगा। हालांकि नया साल हो चुका है और इस व्लॉग के माध्यम से दिखा होगा कि भाई कैसे यहाँ लोग पटाखे फोड़ते हैं। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहा ये पूरा, क्योंकि कुर्ट-शूमाकर पे जब से शिफ्ट हुए हैं इसी साल शिफ्ट हुए थे 2023 में और 2024 हो चुका है। और मज़ा आया भाई देख के, क्योंकि यहाँ पे जहाँ नज़र जा रही थी इवन बालकनी से, जैसे पहले हम नीचे गए तो नीचे जाके देखा तो भाई वहाँ लोग पटाखे खरीद के लाए थे, तो वो जो सेंटर है जहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स है उसके बीच में पटाखे जला रहे थे फोड़ रहे थे। उसके बाद सड़कों पे अलग अलग जगह बच्चे और जवान और भाई हर प्रकार के लोग पटाखे फोड़ रहे थे। और फिर हम सोचे जरा रूम पे आते हैं, बालकनी में खड़े होके जो पूरा व्यू दिखा है, मतलब भाई जहाँ नज़र जा रही थी वहाँ तक एकदम आतिशबाजी चल रही थी और पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो अलग अलग जगह लोग अपना जश्न मना रहे थे। फिर हम नीचे गए तो नीचे भी कुछ लोगों से रैंडमली मुलाकात हुआ, बढ़िया लगा। और उसके बाद फिर जो डाउन पोर्ट प्लस का एरिया है वहाँ भी थोड़ा झलक देखे कि भाई जो पटाखे फूट रहे, तो जहाँ नज़र गई वहाँ भाई पटाखे फूट रहे थे, फूट रहे हैं अभी भी। कुछ जगह अगर नीचे निकले तो आवाज़ आएगी। एक चक्कर भी ज़रा काट के आए तो जो अपना ब्रिज है ना RPTU का, उस पर भी भाई कुछ लोग अपना पटाखे जला रहे थे। तो जहाँ जिसको जहाँ जगह मिले, जहाँ समय मिले, अपने हिसाब से नया साल सेलिब्रेट कर रहा था। और भाई देख के मज़ा आया। और कुर्ट-शूमाकर से, मतलब अगर कुछ लोग यहाँ रहते हैं तो भाई यहाँ से भी देख सकते हो फायर वर्क अपना, बढ़िया। तो थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसा होता क्या होता, इसलिए हम थोड़ा भाई एक जगह बीच बीच में कैमरा दिखा के कि अपना देखो और एक्सपीरियंस करो कि कैसा आवाज़ आता है। इवन कुछ लोग नीचे सड़क के पास जहाँ जला रहे थे पटाखे, तो कई बार आई थिंक 1 या 2 से भी ज़्यादा बार गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियाँ भाई चक्कर काट रही थी, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो ये भाई ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ और पटाखे जलाए गए। आई होप देख के मज़ा आया होगा। इस व्लॉग का समापन करते हैं, अपने 2023 साल का भी समापन तो हो चुका है और बाकी नए दिन नए व्लॉग में मिलेंगे। 2024 का साल आ चुका है तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस व्लॉग का अंत करते हैं। बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं।